हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों आज इन्फिनिक्स के 5 टिप्स एंड ट्रिक के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक है दोस्तों, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। यदि आपका इन्फिनिक्स का फोन है तो आप इन 5 टिप्स एंड ट्रिक को जान लीजिए दोस्तों, आपको बहुत ही काम आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले यदि आपका मतलब सबसे पहले नंबर, यदि आपका अचानक टच काम करना बंद कर देता है, आपका टच रुक जाता है या आपका डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है, डिस्प्ले वाइट हो जाता है, तो आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करके जरूर देख लीजिए दोस्तों। और आपको अपना फ़ोन रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। मान लीजिए आपका टच हैंग हो गया है तो आप जो है इसको रिबूट और रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, पावर बटन को प्रेस करके रखना है। 10 से 15 सेकंड तक आपको प्रेस करके रखना है पावर बटन को, तो आपका फ़ोन जो है रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा सबसे पहला ट्रिक है दोस्तों। आपको यदि मतलब अचानक, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अचानक हमारा जो है टच काम करना बंद कर देता है या डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है, डिस्प्ले ब्लू हो जाता है, या मतलब फ़ोन आता है और डिस्प्ले पर कुछ दिखाई नहीं देता है, ऐसा प्रॉब्लम अगर जो हो जाता है आपके इन्फिनिक्स फ़ोन में, तो आपको एक बार अपना फ़ोन जरूर एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लेना चाहिए। और रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए आपको जो है पावर बटन को प्रेस करके 10 से 15 सेकंड तक रखना है दोस्तों। उसके बाद आपका जो है यदि डिस्प्ले सही रहेगा, टच सही रहेगा, तो आपका 100% वर्क करेगा। यदि आपका मोबाइल हैंग होता है तो आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो है स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ पे हमारा टच जो है काम करने लगा है। यदि आपका अचानक ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, आप जरूर इस टिप्स का जो है इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टिप्स है दोस्तों, आपको ये मतलब आपका इन्फिनिक्स फोन कभी अचानक ऐसा हो जाता है तो आप जरूर इस ट्रिक को एक बार इस्तेमाल की लीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अब हमारा ये सबसे पहला ट्रिक्स हो गया है। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल के नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। आप दूसरे सेटिंग के बारे में बात करेंगे दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट लेने का तरीका बताऊंगा। तो आप स्क्रीनशॉट अपने इन्फिनिक्स फोन में दो तरीके से ले सकते हैं। पहला, आप ऊपर से नीचे की तरफ 3 फिंगर से स्वाइप करोगे तो आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। चलिए आपको फिर से करके दिखाता हूँ। 3 फिंगर से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आपको स्वाइप करना है तो आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और दूसरा तरीका है दोस्तों, आपको वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है। वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को आप एक साथ प्रेस करोगे तो आपका जो है स्क्रीनशॉट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखना, वॉल्यूम डाउन बटन पहले ना प्रेस हो, पहले पावर बटन प्रेस होगा और फिर वॉल्यूम डाउन बटन, तो भी हो जाएगा। दोनों को एक साथ प्रेस करोगे तो भी आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए पहले इसको दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा स्क्रीनशॉट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे फिर से आपको करके दिखाता हूँ। वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है तो आपका जो है स्क्रीनशॉट हो जाएगा। हम इस दो तरीके से जो है अपने इन्फिनिक्स फोन में दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला, आप 3 फिंगर से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और दूसरा, आपको वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है तो भी आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा दोस्तों। अब हम तीसरे ट्रिक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, बैक बटन के बारे में। दोस्तों यदि आपके स्क्रीन पे बैक बटन नहीं आ रहा है दोस्तों, या आपका बैक बटन गायब हो गया है, तो आपको इसको कैसे लाना है दोस्तों। मान लीजिए आप कोई चीज लाते हैं, उसे बैक करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपका बैक बटन नहीं शो हो रहा है, तो आपको कहाँ से इसको सेटिंग करना है दोस्तों, मैं वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई ऑप्शन हम खोल रहे हैं, उसके बाद इसे यहाँ पे हम बैक करना चाहते हैं तो बैक का ऑप्शन नहीं, मतलब बैक बटन हमारा शो नहीं हो रहा है, तो ऐसे में प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, सेटिंग में चले जाना है। चलिए आपको करके दिखाता हूँ। आपको सेटिंग में जाना है तो सबसे पहले आप सेटिंग को खोल लीजिए। सेटिंग को खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप चले जाना सिस्टम नोटिफिकेशन पे, और यहाँ पे देख लीजिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे 3 बटन का, आपको 3 बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 बटन आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 बटन का आ जाएगा, 2 बटन पे आपको यहाँ 2 बटन मिल जाएंगे। और यह गेस्टर्स वाले पे जाओगे तो आपका जो है यहाँ से बटन जो है हाइड हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 2 बटन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे 3 बटन में, तो ये वाला सबसे आसान है दोस्तों। इस तरीके से आप जो है अपना बैक बटन जो है शो कर सकते हो दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हम चलिए अब दोस्तों चौथे सेटिंग के बारे में बात करेंगे दोस्तों, LCD कलर के बारे में। दोस्तों बहुत ज्यादा बाई चांस हम अपने सेटिंग में जाके हमारा जो है डिस्प्ले का कलर चेंज हो जाता है, और डिस्प्ले का कलर फिगर मतलब कुछ ऐसे इस तरीके से दिखाई देता है, तो आपके स्क्रीन पे भी ऐसा अगर जो हो गया, आपके डिस्प्ले का कलर चेंज हो गया है, तो आप उसे बहुत ही आसान तरीके से फिर से नॉर्मल कर सकते हो दोस्तों। यदि बाई चांस सेटिंग में जाने पर ऐसा प्रॉब्लम, यदि आपके मोबाइल में हो गया, आपका डिस्प्ले का कलर चेंज हो गया है, तो आप दोस्तों सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे नीचे जाना है, थोड़ा और नीचे जाएंगे, और नीचे यहाँ पे एक्सेबिलिटी पे जाना है। एक्सेबिलिटी पे जाओगे तो यहाँ पे कलर इन्वर्जन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से इसको ऑफ कर देना है, तो ये आपका नॉर्मल मोड में आ जाएगा, नॉर्मल कलर में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमारा आ गया दोस्तों। अब हम पांचवें सेटिंग के बारे में बात करेंगे, बैटरी परसेंट के बारे में दोस्तों। यदि आपका जो है बैटरी परसेंट नहीं बता रहा है, आपके बैटरी मतलब कितनी चार्ज है ये आपका शो नहीं कर रहा है, तो आपको बहुत ही आसान सा एक सेटिंग करना है दोस्तों। सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों
यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैटरी लाइफ का ऑप्शन, यहाँ पे ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए, सबसे नीचे दोस्तों यहाँ पे बैटरी परसेंटेज, यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे जो है इसको ऑन कर देना तो आपका जो है बैटरी परसेंट आपका बैटरी में बताने लगेगा। तो 5 ये टिप्स इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना बहुत जरूरी थे। तो आपको 5 ये टिप्स कैसे लगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें।